सिवनी में मेडिकल कॉलेज का नाम अन्य जिलों में प्रस्तावित करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भाजपा मंडल स्तर पर अलग अलग स्थानों में पुतला दहन किया गया। छिंदवाड़ा चौक एवं कचहरी चौक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। बताया जा रहा है कि पूर्व की शिवराज सरकार ने सिवनी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पास कर केंद्र सरकार को भेजा था, जहां पर 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा देना तय हुआ था, जबकि 40% राशि राज्य सरकार को वहन करनी थी। लेकिन सरकार बदलने के पश्चात कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने उक्त प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और राज्य के अन्य जिलों के नाम मेडिकल कॉलेज हेतु प्रस्तावित कर दिए, जिसके विरोध में कमलनाथ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए विगत की जो कांग्रेस सरकार थी उनके द्वारा सिवनी का जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था उसको निरस्त कर दिया गया और हमारी जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसको निरस्त कर दिया गया। हमारे द्वारा सूचना के अधिकार और अन्य माध्यमों से जो दस्तावेज निकाले गए तो हमें ज्ञात हुआ कि कमलनाथ सरकार ने सिवनी के साथ दोहरा मापदंड अपनाया है और सिवनी का हमेशा से तिरस्कार करते रहा है। इसी प्रक्रिया में उनके द्वारा हमारे मेडिकल को निरस्त कर दिया गया, जबकि उसके पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने केंद्र को मंत्रिपरिषद से निर्णय पारित करके भेजा था, कहाँ, केंद्र सरकार के पास, जहाँ 300 करोड़ रुपए हमारे स्वीकृत हुए थे उसमें से 60% राशि केंद्र सरकार ने स्वीकृत की थी और बाकी 40% राशि राज्य सरकार को देना था। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से मेडिकल को लेकर के था। जिस प्रकार से अभी दीदी ने बताया, भाभी ने, कि कहीं ना कहीं 2018 में जो हमारा मेडिकल स्वीकृत हुआ था और स्वीकृत होने के तत्काल बाद ही कैबिनेट जो हमारी लगी और कैबिनेट के माध्यम से जो प्रस्ताव फिर केंद्र सरकार को जाना था, तो उसके बाद आचार संहिता तत्काल लग गई और आचार संहिता लगने के बाद जो प्रस्ताव थे वो निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा भेजे जाते, पर सरकार चूँकि हमारी नहीं बन पाई और राज्य में चूँकि कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने उसमें सिवनी का नाम काट करके, ये दस्तावेजी प्रूफ हैं जो हमने निकलवाए हैं, दस्तावेजी प्रूफ के आधार पर कहीं ना कहीं उन्होंने सिवनी का नाम इसमें सम्मिलित नहीं किया, दुर्भावनावश सम्मिलित नहीं किया और उसके कारण से केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा उसमें जितने उन्होंने भेजा वो सारे स्वीकृत हुए, पर सिवनी का नाम नहीं होने की वजह से, जबकि कैबिनेट में पास प्रस्ताव था। आप भली भांति जानते हैं सिवनी नगर के विकास में कोई रोड़ा यदि किसी ने बनाया है, लगाया है, तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, जिसके कारण कि हमारी लोकसभा चली गई, हमारा मेडिकल चला गया, हमारी पैंच परियोजना रुकी रही, सिवनी 4 लेन के मामले में भी कितनी दिक्कतें आई पूरा जिला जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।